हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा ये जो वीडियो है, बहुतों का मीन्स एक क्वेश्चन है जो मेरे सारे वीडियोस में काफ़ी पूछा जाने वाला, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बीजीसी क्या होता है। बीजीसी इनिशिएटेड दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है? बीजीसी लोग करते कैसे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है, क्या समझें, कैसे समझें? तो भाई बता दूं, बीजीसी एक ऐसा प्रोसेस है जो होता है लेकिन वो तुमको बताया नहीं जाएगा कि हाँ बेटा हम बीजीसी कर रहे हैं या भाई हम बीजीसी करने वाले हैं। ठीक है, वो बताएंगे नहीं। बीजीसी वो उनका काम है। ठीक है, कोई भी कंपनी किसी कैंडिडेट को हायर कर रही है तो बैकग्राउंड चेक करना, वेरिफिकेशन करना, वो उनका काम है। अगर आप चाहते हैं वो चीज़ें स्मूथ हो, अच्छे से हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप उनको डिस्टर्ब मत करें। आप उनसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हर एक चीज़ का इंटीमेशन वो आपको दें, अपडेट करते रहें। ठीक है, अगर आप सही हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो वो हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, स्मूथ होगा और सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद सही टाइम आने पर पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको कंटिन्यूअस मेल करेंगे, छोटी छोटी चीज़ से डर जाएंगे कि बीजीसी इनिशिएटेड, अब मेरा ये वेरीफाई होगा, ये गलत है, वो गलत है, अननेसेसरी आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। ठीक है, बिगाड़ सकते हैं। ओके, सो उनको उनका काम करने दीजिए। हाँ, आपको इंटीमेशन कब वो करेंगे? जब कुछ डॉक्यूमेंट आपका गलत हो या सही ना रहे, या उनको जो चाहिए वो चीज़ उसमें ना मिले, वो आपको कॉल करके पूछेंगे वो चीज़ कि भाई ये गलत है, मुझे इसका सही दो, या फिर तब आपको पता चल जाएगा कि क्या चाहिए उनको और आपको क्या देना है। ठीक है, लेकिन वो तभी आपको पूछेंगे या बोलेंगे जब आपका कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट उनको मिलेगा जो कि सही नहीं है। ठीक है, उसके पहले आपसे वो आपको नहीं बताने वाले कि बीजीसी क्या कर रहे हैं, कहाँ बैकग्राउंड क्या वेरीफाई कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, अब चलो बीजीसी होता क्या है, मैं दो तीन चीज़ क्लियर करता हूँ। मेरा पहला चीज़ उसके लिए है जिनका पीएफ नहीं कटता था। जिनका पीएफ नहीं कटता है उनके केस में कंपनी बैंक स्टेटमेंट मांगती है। अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, अगर पीएफ नहीं कटता था तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि हाँ जिस कंपनी में आप काम करते थे वही कंपनी आपको पैसा देती थी या कैसे करती थी। आपका रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएगा अगर कंपनी ने मेंटेन कर पा रही है पीएफ के थ्रू। ठीक है, दूसरा, जिनका पीएफ कटता है, पीएफ रिकॉर्ड मेंटेन है, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनके लिए चीज़ें स्मूथ रहेंगी। अब दूसरा आता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कि बीजीसी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो दोस्त, तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन होता है कि जिस कॉलेज से पढ़े हो तुम, जिस स्कूल से पढ़े हो तुम, क्या तुम सच में उसी स्कूल से पढ़े हो, वो जाके वो वेरीफाई करेंगे बैकग्राउंड में। वो कॉलेज भी जा सकते हैं, वहाँ फ़ोटो भी ले सकते हैं, तुम्हारे घर के पता का पूरा फ़ोटो ले सकते हैं, जो भी तुमने दिया है वो फिजिकली जा करके वहाँ वेरीफाई करेंगे। जो तुम्हारा एड्रेस है, तुम्हें वीडियो कॉल करके मीन्स क्रोम के थ्रू वो चीज़, वो तुम्हारा घर भी देखेंगे कि हाँ जो तुम एड्रेस दिए हो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए और जो तुम रह रहे हो वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। तो वेरीफाई करने वाले सारे चीज़ करेंगे। अगर कुछ फ्रॉड पाया गया है, कुछ गलत है, तो यस आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन में भी ना हो, फिर आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना सारी चीज़ें सही करके। ठीक है, तो बाय बाय।